नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक और विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे और वहां के प्रत्याशियों के बारे में आपको जानकारी साझा करेंगे। आज उस सीट की बात कर रहे हैं जिसके बाजार राजा पार्क को जयपुर का दिल कहा जाता है, जहां पर आपको शॉपिंग और खाना सबसे बेहतरीन मिलता है। हम बात कर रहे हैं आदर्श नगर विधानसभा सीट की। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। ये सीट भी पशुपेच वाला रिजल्ट देकर जाती है। पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी तो उससे पिछली बार बीजेपी की प्रत्याशी ने अपनी जगह पक्की की थी और इस सीट से लगातार दो बार भारतीय जनता पार्टी के अशोक परिणामी विजय रह चुके हैं। कांग्रेस ने आदर्श नगर से रफीक खान को टिकट दिया है, जो मौजूदा समय में विधायक है, और बीजेपी ने अपना दाव खेला है रवि नैयर पर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण की। तो आदर्श नगर विधानसभा सीट में लगभग 2,53,191 मतदाता हैं, जिसमें अगर पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करें तो लगभग 1,33,660 पुरुष मतदाता हैं, तो वही 1,19,531 महिला मतदाता हैं। ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसके अलावा यहाँ पर पंजाबी, सिंधी, ब्राह्मण, बनिए भी चुनावी समीकरण में अपने अपने वोटों से सारा पासा पलट देते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी रवि नैयर की। तो इनका दबदबा पूरे आदर्श नगर में देखा जा सकता है। रवि नैयर राजापार्क व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और साथ में राजापार्क आर्य समाज के प्रमुख के तौर पर भी लगातार कार्य करते आ रहे हैं। कोरोना काल हो या गरीब परिवारों की मदद, सबकी समस्या जानकर उन तक मदद जरूर पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा काम इनका 2008 में जयपुर बम धमाकों के समय देखने को मिला था। इन्होंने पीड़ित परिवारों की बेटियों की शादी का जिम्मा उठाया और पूरा भी किया। ये कहा जा सकता है कि इनकी पैठ बड़े बड़े लोगों से लेकर आम जन तक है। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान की, तो इन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी के अशोक परिणामी को हराया था। रफीक खान को 88,541 वोट मिले थे, अशोक परिणामी को 12,533 वोट से हराया था। अशोक परिणामी को उस समय कुल 75,988 वोट मिले थे। रफीक खान राजस्थान के सबसे अमीर विधायकों में शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से फटकार के बाद वो चर्चा में आए थे। उनकी सभाओं में ही कौन है रफीक खान के नारे भी लग चुके हैं। रफीक खान और रवि नैयर के बीच मुकाबला टक्कर का होने वाला है। अब जनता किसको चुनती है ये तो परिणाम आने के बाद ही पता लग पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार मैं फिर मिलूंगी एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।